प्यारे छात्रों अभिनंदन, मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनित गोयल और मैं लेके आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स 28 अक्टूबर 2018 की। 28 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे आपको पता है, हम आपको एक फोटो दिखाते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहा है सुखोई विमान जिसे भारत ने पहली बार स्वदेश में निर्मित किया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंटरनेशनल डे और नेशनल डे, जैसा कि आपको पता है जो भी डेट होती है उसका डे और हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पहला डे जो 28 अक्टूबर को पड़ता है इंटरनेशनल एनिमेशन डे और नेशनल आयुर्वेद डे पड़ता है। देखिए इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। एनिमेशन, आपने पोपाई एक कार्टून देखी होगी और आपने ये भी ध्यान होगा वो स्पिनेक खाता था, यानी पालक खाता था, उसको ताकत आ जाती थी। तो दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं, एनिमेशन को और आयुर्वेद को, तो आसानी से ये आपको याद रह जाएंगे। तो 28 अक्टूबर को दो डे पड़ते हैं, इंटरनेशनल डे और नेशनल आयुर्वेद डे। पोपाई एक स्पिनेक आयुर्वेद की चीज खाता और पावर ले लेता था, तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से, यूजीसी नेट की तैयारी में आप मुझे वहां ढूंढ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से। और कल का मुझे तो जाने का प्रश्न था, एडीबी की रिपोर्ट 2017 में अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारत से थे, भारत के लगभग 17 मिलियन लोग प्रवासी बने थे, इसके बाद चीन के 10 मिलियन और बांग्लादेश तीसरे नंबर पे था, 7.5 मिलियन लोग बाहर जाके बसे थे। और पहला क्वेश्चन है आज का, प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से किसे सम्मान किया गया है, और ये किया गया है हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को, इन्हें हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें मैं आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ, एम वेंकैया नायडू ने यह अवार्ड दिया जो हमारे प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति हैं। और ई श्रीधरन जो है फादर ऑफ डेली मेट्रो कहलाते हैं, ये क्वेश्चन भी एक बार आया था तो मैंने आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन भी रिवाइज करा दिया, ई श्रीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित कौन सा लड़ाकू जेट इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया गया है, यह है सुखोई Su-30 MKI। देखिए सुखोई 30 जो MKI यान है वो भारत ने रूस से लिया था, अब भारत ने सुखोई Su-30 MKI को खुद स्वदेश में डेवलप किया है और इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, ये भारत से जापान की 3 दिवसीय यात्रा पर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 में किस संस्था ने 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस के रूप में घोषित किया, ये कल मैं आपको बता चुका हूं इसकी थीम क्या थी, आपको ये बताना है और ये किस संस्था ने घोषित किया, ये यूनेस्को के द्वारा घोषित होता है, यूनेस्को इसको विरासत दिवस के रूप में मनाएगी। और विश्व श्रव्य दृश्य विरासत का मतलब जो हमारे पुराने जमाने में फिल्में बनती थी, मूवी बनती थी, उनको विरासत के तौर पर रखा जाए। योर स्टोरी इज मूविंग, और आजकल आपकी स्टोरी यूट्यूब पे चलती है, यूट्यूब एक ऐसा चैनल है अगर आपने वहां कुछ चीज डाल दी तो वो आपके लाइफ टाइम रहनी है, इवन आपके बाद भी वो वहां पे अवेलेबल रहेगी। Your story is moving. Thank you YouTube providing such service to all of. किसने मनोव्यू नामक दृष्टिहीन लोगों के लिए दुनिया की पहली बुद्धिमान व्यक्तिगत सहायता प्रणाली के लिए विश्व आविष्कार शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप पुरस्कार 2018 जीता है, और ये एक भारतीय है, इनका नाम है रूपम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2018 के द्वारा दुनिया में सबसे बड़े सहकारी के रूप में कौन सी संस्था को प्रथम रख दिया गया है, और ये भारत की संस्था है, इफ्को को दिया गया है। इफ्को एक कोऑपरेटिव संस्था है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव संस्था माना गया है, और ये पहले यूरिया खाद बेचा करती थी, अब ये कई सारे प्रोजेक्ट करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में किसको प्रथम रैंक दिया गया, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग दी गई है एशिया में, इसमें राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को फर्स्ट पोजिशन मिली है पूरे एशिया में। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में प्रथम रैंक किसको दिया गया, तो भारत की ओर से प्रथम रैंक 33वें नंबर पर है, ये आईआईटी मुंबई है, आईआईटी मुंबई को 33 रैंक दिया गया पूरे एशिया में। इसके अलावा मैं आपको ये भी याद करा दूं, इंडिया में पहले नंबर पे आईआईटी बॉम्बे है, दूसरे नंबर पे आईआईटी दिल्ली है, तीसरे नंबर पे आईआईटी चेन्नई यानी आईआईटी मद्रास है, और भारतीय विज्ञान संस्थान चौथे नंबर पर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वें जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी विटेक्स 2018 कहां आयोजित की जा रही है, ये दुबई में चल रही है, दुबई में ये प्रतियोगिता हो रही है। जिफ 2018 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में कहां किया गया है, ये फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में किया जा रहा है। और जैसा कि आपको पता है हम आपसे पूछते हैं बूझो तो जाने का प्रश्न, आज का हमारा बूझो तो जाने का प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 22वीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है,
आपको देश का नाम बताना है जिसके साथ ये 22वीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक भारत आयोजित कर रहा है। जो सबसे पहले इसका आंसर हमारी क्विज में लिखेगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख भेजिए, उसका नाम हम अपनी अगली क्विज में डालेंगे जो हमारी करंट अफेयर्स की क्विज हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, साथ में बेल वाला आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो जब भी जैसे डले, जैसे हम करंट अफेयर की वीडियो रोज डालते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज 28 अक्टूबर है, आपको ध्यान होगा कि आज पेपर है तो उसकी आंसर की भी हम डाल देंगे शाम तक, और उसके पार्ट्स में हम डाल देंगे। पहले हम करंट अफेयर्स की डालेंगे, फिर जीके के दो पार्ट में हम क्विज डाल देंगे, उसके बाद रीजनिंग, मैथ और हिंदी की भी हम जल्दी ही डाल देंगे क्योंकि उनको सोल्व करना थोड़ा सा समय लग जाता है हमें, ताकि आपको हम सटीक आंसर दे पाए। तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ, व्हाट एवर यू वांट टू डू, वेदर इट इज गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, वेदर इट इज अ बिजनेस, यू कैन हैव ऑल द सक्सेस इन दीज फील्ड थ्रू द हेल्प ऑफ A2Z करियर्स। एंड A2Z करियर्स इज द ओनली चैनल वेयर यू विल फाइंड ऑल एंडेवियर ऑफ लाइफ लाइक मोटिवेशनल टॉक्स, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, जितनी भी कॉम्पिटेटिव चीजें हैं, जितनी भी ट्रिक्स हैं, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाए। आप A2Z करियर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।